दोस्तों नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है तू तेरा है मध्यम पुरुष। हमने पहले सुना था मैं मेरा है प्रथम पुरुष, उसके बाद कुछ चर्चा हम लोगों ने की और हम पहुंचे तू तेरा है मध्यम पुरुष। मैं मेरा जब अपनी जिंदगी की परेशानियों से आगे बढ़ नहीं पाता, खुद ब खुद अपनी मेहनत से अहंकार अभिमान से नहीं बढ़ पाता है, उस वक़्त वो जाके शरण लेता है तू तेरा। प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार हमने प्रवचन का वो अंश सुना था जो तू तेरा मैं मेरा के साथ संपर्क रखता है। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर के प्रवचन का वो अंश जिसका हमारे इस टॉपिक के साथ ताल्लुक है। तू तेरा तेरा तू है तंकार प्रधान। तंकार प्रधान क्या है ना, वो है मध्यम पुरुष, प्रभु विभु स्रष्टा पाता वो ईश्वर महान। ईश्वर को हम ये जो तू तेरा गान किया, तू दाता तू विधाता तू प्रभु तू मालिक, ऐसे हम कहते हैं। तो सेकंड पर्सन से हम अपना जो वांट है, अभाव है, समस्या है, उसको पूरी करने के लिए उनको सहायता लेते हैं। तब क्या होता है ना, सेकंड पर्सन का साथ हमारे संबंध होता है। सेकंड पर्सन कौन है? इंडिविजुअल है मैं मेरा, और तू तेरा है सेकंड पर्सन, वो है प्रभु विभु स्रष्टा पाता। मैं एक बार दोहरा देता हूं प्रज्ञान पुरुष की वाणी। वह है मध्यम पुरुष, कौन? जो हमें उस चीज का संधान दे सकते हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं है। प्रभु विभु स्रष्टा पाता व ईश्वर महान। ईश्वर को हम तू तेरा कहकर भजन करते हैं। तू दाता तू विधाता तू प्रभु तू मालिक, ऐसा ही हम कहते हैं। तो सेकंड पर्सन से हम अपने जो वांट्स हैं, अभाव हैं, समस्याएं हैं, उनको पूरा करने के लिए सहायता लेते हैं। तब क्या होता है? तब सेकंड पर्सन के साथ हमारा संबंध होता है। अब ये सेकंड पर्सन कौन है? इंडिविजुअल है मैं मेरा, तू तेरा है सेकंड पर्सन, वह है प्रभु विभु स्रष्टा पाता। यहां तक हमने प्रज्ञान पुरुष को सुना। अब ये अहंकार का जीवन मैं मेरा का, और इस अहंकार के जीवन से त्वंकार का जीवन जो कि तू तेरा का जीवन है, वो चर्चा हमारी जारी थी। कुछ बातें हमने की थी पिछले एपिसोड में और कुछ बातें हम करेंगे इस एपिसोड में। आइए हम चलते हैं ब्रह्म आत्मविद्या पहला भाग पेज 27 नंबर पेज पर। अहंकार से विरक्ति, त्वंकार से प्रीति। देखिए हम लोग सब अक्सर जीवन में एक ही दिन में, अगर हम लोग मान लीजिए 15-16 घंटे का जीवन जीते हैं जिसमें काम कार्य करते हैं, तो ये 15-16 घंटे के अंदर अक्सर हम लोग विरक्ति भाव में चले आते हैं। फिर जब कुछ समाधान मिलता है, टेम्पररी हालांकि, लेकिन मिलने के बाद फिर हम एक प्रीति या एक नॉर्मल एवरेज भाव में चले आते हैं। लेकिन महापुरुष कह रहे हैं कि अहंकार से विरक्ति, त्वंकार से प्रीति, अर्थात ये मैं मेरा बोध अगर तू तेरा बोध में प्रतिष्ठित होता है तो वहां पे विरक्ति का कोई सवाल ही नहीं है। अर्थात ये जो 14-15 घंटे की मेरी जागने की जिंदगी है, ये सारी जिंदगी में केवल प्रीति ही प्रीति रहेगी। चाहे कितनी भी प्रतिकूल अवस्था से मैं गुजर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रीति का अभाव कभी नहीं होगा। ऐसा हमने बहुत कम देखा है, लेकिन जो बड़े महापुरुष हैं उनके अंदर ये चीज़ें हमने देखी हैं। वो कैसे आती हैं और मैं मेरा का जीवन जीने वाला एक जीव
वो कैसे उस अवस्था में पहुंचेगा, यही हमें पता चलता है महापुरुषों से, अगर हम उनको फॉलो करें। तो कोशिश हमारी यही है कि इस वाणी का परिवेशन करते करते मनुष्य अगर सजाग हो जाएगा अपने ही अंदर ईश्वरीय बोध के बारे में, है उसी के अंदर, हम सब के अंदर ये चीज मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है हम केवल भूल गए हैं और कुछ नहीं है। तो ये वाणी सुनते सुनते हम लोगों को हमारी याददाश्त वापस आ जाएगी। आगे कहते हैं, शासन अहंकार से किया जाता है छोटा समझकर, सेवा त्वंकार से की जाती है बड़ा मानकर। देखिए कितना बड़ा अंतर है। हम भी सेवा करते हैं लेकिन सेवा के अंदर वो भाव नहीं होता जिस भाव का जिक्र यहां किया जा रहा है। जब मैं किसी की सेवा करने जाता हूं तो मैं उस इंसान को, वो बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, सेवा भाव मेरा परिपूर्ण तब होगा जब मैं उसे बड़ा मानकर सेवा का कार्य करने जाऊंगा। जैसे उसकी जरूरत है, अपनी बुद्धि से नहीं, उसकी जरूरत के अनुसार मैं हर काम करूंगा ताकि मैं सच करेक्ट रूप से उसकी सेवा कर सकूं। ये तभी कर पाऊंगा जब मैं उसे बड़ा मानूंगा, नहीं तो होगा क्या, बीच में मेरा अहंकार आ टपकेगा। अहंकार आएगा तो मैं उसकी सोच के ऊपर अपनी सोच को डालूंगा, उसकी जरूरत के ऊपर जो मैं जरूरत समझता हूं उसको डाल दूंगा। उससे क्या होगा कि उसका जो काम है, उसकी जो सेवा है, वो सुचारू रूप से हो नहीं पाएगी। आगे कहते हैं, ईश्वर हारना चाहते हैं, वे हार कर आनंद पाते हैं, लेकिन मनुष्य जीत कर आनंद पाता है और हार कर दुख पाता है। देखिए डायमेट्रिकली ऑपोजिट सिचुएशन है मेरे ही अंदर। मेरे अंदर का ईश्वरीय भाव जब जागृत होगा तो हरेक को मैं एक ऐसी दृष्टि में देखूंगा कि अगर मैं हार गया और उसका आनंद मैं देखूंगा तो उससे मैं आनंदित होऊंगा। देखिए फर्क कहां है, उसका आनंद मेरा आनंद, वेयर एज मैं मेरा की दृष्टि में मेरा आनंद ही केवल महत्व रखता है, उसका आनंद मेरे लिए उल्टा दुखदायी हो जाता है। तो एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट मनोभाव सृष्ट होता है। आगे कहते हैं, देवता देकर आनंद पाते हैं और मनुष्य लेकर आनंद पाता है। मनुष्य के अंदर फिर धीरे धीरे देवता का भाव आता है, तब वह देकर आनंदित होता है। तत्व स्वरूप ईश्वर आत्मा न लेते हैं न देते हैं, वह हैं निष्क्रिय केवल साक्षी मात्र। देखिए दो स्टेजेस की बात की गई है, मैं मेरा स्टेज से हम लोग काफी हद तक वाकिफ हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज जो तू तेरा का है और उसके बाद निष्क्रिय स्टेज है जिसको कह रहे हैं तत्व स्वरूप ईश्वर आत्मा न लेते हैं न देते हैं। देवताओं की भी एक ड्यूटी होती है, क्या ड्यूटी होती है, दियतांग इति देवता, अर्थात देवता का काम है देना। हम जगह जगह जाते हैं मंदिरों में, देश के बहुत जगह पे, हमारे देश में ही मंदिर हैं जहाँ पे हम लोग जाके मन्नत मांगते हैं। मन्नत का अर्थ क्या है कि जो देवता वहाँ विराजमान है, जिनका काम है देना, अगर मैं अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, मैं अगर जो नियम हैं इस सिलसिले में, जो नियम बंधे हुए हैं, उन नियमों को फॉलो करके अगर मैं उस देवता के पास जाके मांगता हूँ कोई मन्नत, किसी किस्म की वो मन्नत हो चाहे, तो वो देवता अगर देखते हैं कि मैं रियली डिजर्व करता हूं तो मेरे को वो मन्नत मेरी पूरी करके देते हैं। जब ये मन्नत मेरी पूरी होती है तो मैं उस देवता का मान जो है वो मैं करने लगता हूं। तो कुछ पाने के बाद तभी मैं मानता हूं, उससे पहले नहीं मानता हूं। तो देने वाली बात तो आती नहीं है। याद रखिए, जब केवल पाने की इच्छा होती है तो देने वाली बात बहुत कम हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे हमारे मानसिक उन्नति होती है, अर्थात रिफाइनमेंट प्रोसेस होता है माइंड इंटेलेक्ट ईगो का, ये रिफाइनमेंट प्रोसेस के माध्यम से इंसान रिफाइंड होके जगत की बाकी सारी चीज़ों में जो भिन्न बोध से पहले देखा करता था, हर चीज़ को अलग देखता था,
पसंद को ले लेता था, नापसंद को छोड़ देता था, या तिरस्कार करता था, या बुरा भला कहता था। यही हालत है। यहां से क्या होता है, ये जो भेदभाव है धीरे धीरे समभाव में परिणत होता है, अर्थात समानता जगती है, असमानता जो है वो मेरे निकल जाती है। असमान बोध घट गया, समान बोध बढ़ गया। इस पे जरा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि हम अक्सर जीवन में समान बोध, समान सोच, समान दृष्टि वाले लोग पाते नहीं हैं। खास करके आजकल के ज़माने में तो बहुत ही कम हो गए हैं, विरले हो गए हैं ऐसे लोग जिनके अंदर ये समान दृष्टि है, जो भेदभाव को इतना कम देखते हैं कि लोग उनको ले नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि पागल बोल देते हैं, ये तो पागल है। हम लोगों ने जिक्र पहले किया था कि जो प्रकृत रूप से साधु है वो क्या करता है, वो अपने काम पूरे करके समय के अंदर, जितना समय वो दे सकता है एक दिन में, उतने समय के अंदर अपने काम पूरे कर लेता है, और जो समय बचता है उससे दूसरों के काम पूरे करता है। बदले में कुछ मांगता नहीं है, प्रत्याशी नहीं है, केवल देता है। याद रखिए, मनुष्य रूप में देवता है, लेकिन हम उनको ले नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इतने सहज सरल होते हैं कि उनको देख के हमारे अंदर, हम लोग एक आडंबर पसंद करते हैं, एक गेरुआ वस्त्र, एक चेहरा, कुछ और चीज़ें, आसपास की चीज़ें जो केवल जागतिक मटेरियल साइंस की चीज़ें हैं उनको पसंद करते हैं, उनको देख के हम आकृष्ट होते हैं और मानते हैं। जो वाकई में सहज सरल इंसान होता है, जो वाकई में साधु होता है, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। वो रुपए पैसे के पीछे दौड़ता नहीं है, तो जाहिर सी बात है आडंबर करता नहीं है, सहज सरल यूं रहता है, क्योंकि जीवन में स्वतः खुद ब खुद वो इतना ईजी होता है, उसके अंदर डिसीज नहीं होता है। डिस ईज, ये डिस उसका निकल गया, ईज रह गया। हम लोग डिजीज को केवल बीमारी समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा नहीं है। जीवन में हम जब भी ईजीनेस खोते हैं तो हम डिजीज के शिकार हो जाते हैं। और ये जो ब्रह्म आत्म विद्या है, ये विद्या वो डिस को हटा के ईजनेस ला देती है, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो स्वतः इतना ईजी है, उसके अंदर किसी किस्म की अड़चन आती ही नहीं है, कोई हिंड्रेंस है ही नहीं। ताज्जुब की बात है। देखिए, हम लोग ऐसा होके अपने आप को इतना संकुचित बोध पे डाल के जीवन परेशानी का जीते हैं, तकलीफ का जीते हैं, टेंशन वरीज में पूरे डूबे रहते हैं। ऐसा है हमारा जीवन। महापुरुष की वाणी सुनते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि सुन के एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाती है, क्योंकि पकड़ ही नहीं पाते हैं। थोड़ी सी बेसिक तैयारी की जरूरत होती है, एक प्रिपरेशन की जरूरत होती है। मेरे को अगर स्कूल में जाना है तो मुझे ABCD आ ये सब सीख के, कुछ एक लेवल तक सीख के मुझे जाना पड़ता है। बाप माँ मेरे साथ जाते हैं और एक इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है, कभी कभी कुछ लिख के भी दिया जाता है, फिर मुझे दाखिला मिलता है। यही चीज़ बढ़ते 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 कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डॉक्टरेट इत्यादि में जाके एक दूसरा आकार ले लेती है। वहाँ एक फुल फ्लेज्ड एग्जामिनेशन होता है, वाइवा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। यही समझ लीजिए बिल्कुल है, थोड़ी सी तैयारी किए बगैर प्रकृत महापुरुष के दर्शन हो गए, मुलाकात हो गई, कोई काम नहीं होता है, क्योंकि वो ले ही नहीं पाता है। हम लोगों ने एक कड़ी में विस्तृत रूप से आलोचना की थी कि अगर अंदर प्रश्न न जगे तो कैसे मेरे अंदर खुदा जगेगी। भूख मेरे अंदर जगी ही नहीं और मेरे को महापुरुष के दर्शन हो गए। पेट मेरा भरा हुआ है, मेरे सामने किसी ने बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान रख दिए, मैं खा सकता हूँ, खाऊंगा ही नहीं, थोड़ा इधर उधर हाथ से हिला डुला के हट जाऊँगा। यही होता है, मैंने बहुतों को देखा है, आते हैं महापुरुष के सामने, बैठते हैं, सुनते हैं वही वाणी। महापुरुष कोई भेदभाव नहीं करते हैं, खास करके प्रज्ञान पुरुष जो प्रज्ञान में प्रतिष्ठित हैं, वो अपने स्वतः सिद्ध रूप से, स्वतः जो ज्ञान उनके अंदर उद्गत होता है उस रूप से उनके अंदर से ज्ञान चलता रहता है। लेकिन मनुष्य ने लिया या नहीं लिया, किसने कितना ग्रहण किया, ये कभी वो हिसाब नहीं लेते हैं। हिसाब के बारे में पूछा जाए तो कहते हैं ही इज अप, वो हिसाब है उनका। तो हम जिस हिसाब के साथ परिचित हैं और एक ब्रह्मज्ञानी जिस हिसाब के साथ परिचित है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है।
ये अंतर, ये चक्षु हमारा तब जाके खुलेगा जब जाके हम सुनेंगे, श्रवण होगा, फिर उसके बाद मनन होगा। मनन होते होते हमारे अंदर उस बीज, ये ब्रह्मज्ञानी बीज रोपण कर देते हैं। ये जो बीज है इसके अंदर से अंकुर निकलेगा। अंकुर अर्थात मेरे अंदर प्रश्न जगेंगे, इन प्रश्नों का समाधान मैं ढूंढने वापस उनके पास जाऊंगा। अगर शरीर में नहीं है मान लीजिए, तो मेरे पास किताबें हैं, उनका वक्तव्य है, उनको फॉलो करूंगा। ये करते करते मही रूह हो जाएगा एक दिन मेरे ही अंदर। ये छोटा सा बीज जो रोपण कर दिया गया, उसको मैंने कल्टिवेट किया। थ्रू कल्टिवेशन, जो कल्टीवेशन बाहर होता है वो ज़मीन में होता है, वहाँ से हमें खाद्य मिलता है और ये शरीर चलता है। जब अंदरूनी कल्टीवेशन होता है, मन बुद्धि अहंकार का कल्टीवेशन होता है, उस कल्टीवेशन से रिफाइनमेंट प्रोसेस आता है और जो पेड़ उत्पन्न होता है वो कुछ और, ज्ञान का पेड़ उत्पन्न होता है। अज्ञान का पेड़ धीरे धीरे मुरझा नहीं जाता, वो ज्ञान के पेड़ में समा जाता है। हमारा समय समाप्त हो चला है, तो आइए प्रथा अनुसार हम प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन सुनते हैं। ये कड़ी जो है हम उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें किस चीज़ का सहारा लेके बढ़ना पड़ता है, ये विद्या और अविद्या ये कैसे हमारे जीवन में चलती है, और प्रकृति रूप से विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये चीज हम जानेंगे अगली कुछ कड़ियों में। आइए सुनते हैं भजन। आइए सद्गुरु श्री श्री बाबा ठाकुर के उद्गीत भजन का हम सब लोग आनंद उठाएंगे। यह भजन राग विभास में है। इस भजन के बोल है, ओम गुरु ब्रह्म नारायण, गुरु आत्मा नारायण, गुरु सत्य नारायण, गुरु इष्ट भगवान।
शुद्ध बुद्ध मुक्ताय जर अमराय पाप विद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर पाप विद नित्य वर्तमान स्वयं गुरु इष्ट भगवान नित्य वर्तमान स्वयं गुरु इष्ट भगवान ओम शक्ति गुरु स्वयं पुरुष प्रकृति गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं पुरुष प्रकृति स्वयं युगल तत्व गुरु स्वयं गुरु इष्ट भगवान गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान 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 गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान सत्य ज्ञान अनंत नित्य शाश्वत अमृत तत्व गुरु सत्य ज्ञान अनंत गुरु 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 सत्य ज्ञान अनंत नित्य शाश्वत अमृत तत्व गुरु निर्गुण सगुण समान गुरु इष्ट भगवान गुरु निर्गुण सगुण समान गुरु इष्ट भगवान गुरु सच्चिदानंद स्वयं गुरु सच्चिदानंद स्वयं नित्य पूर्ण स्वरूपापन अखंड प्रज्ञान घन गुरु इष्ट भगवान अखंड प्रज्ञान घन गुरु इष्ट भगवान गुरु इष्ट भगवान गुरु इष्ट भगवान गुरु इष्ट भगवान भगवान